तो कितनी बेहतरीन तरीके से बना है रेहाना किचन में करेले की भुजिया, परफेक्ट। हमने कुछ भी नहीं डाला और डायबिटीज के मरीजों का है उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये एकदम बेहतरीन तरीके से, देखिए परफेक्ट टेस्ट के साथ साथ लुकिंग भी एकदम जबरदस्त है कि जो करेले नहीं खाते हैं वो भी खाना सीख जाएंगे, एकदम परफेक्ट है। इसको रोटी के साथ, दाल चावल के साथ आप बनाइए। अब गर्मियों का सीजन आ गया है तो करेला सबको पसंद आना चाहिए, तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिए। तो चलिए हम बनाते हैं, किस तरीके से बना है रेहाना किचन में फटाफट बनाते हैं। हाय एवरीवन, रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद होगा बढ़िया से। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रेहाना किचन में करेले की एकदम बेहतरीन सब्जी, जो कम तेल और मसाले तो बिल्कुल ही नहीं है, सिर्फ प्याज और करेले से बनेगा और इतनी बेहतरीन, जो डायबिटीज के पेशेंट है उनके एक हफ्ते के भीतर एकदम शुगर खत्म हो जाएगा, मेरी गारंटी है। तो ये रेसिपी जरूर आप देखिएगा। मैंने ले लिया था 250 ग्राम करेले और 250 ग्राम सेम क्वांटिटी प्याज, दोनों इक्वल रहेगा तो बहुत बेहतरीन बनेगी भुजिया। और इसको दाल चावल रोटी के साथ, किसी के साथ आप खा के देखिए, बहुत बेहतरीन होगा। बच्चे भी खाएंगे खुश होके, बिना मसाले बिना कम तेल के एकदम बेहतरीन तरीके से बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसको सबसे पहले हम बनाने से एक घंटा पहले इसको हम छीलेंगे। इसका पूरा हमें छिलका नहीं उतारना है, इस तरीके का रेजर है तो सिर्फ हल्के हल्के इस तरीके से हमें करना होता है। देखिए बिल्कुल इजी हो जाए इस तरीके से। देखिए करेले को छील लिए तो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे फटाफट। देखिए इस तरीके से बिल्कुल इजी है। और प्याज को भी हमें फटाफट छील लेना है, प्याज तो सबको छीलने आता होगा, जाहिर सी बात है। फटाफट इसको भी पहले हम एक साथ छील लेते हैं दोनों चीजों को, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे फटाफट। इसी तरीके से हम प्याज भी छील लेते हैं। तरीके से हमने दोनों चीजों को, प्याज और करेले को छील लिया है फ्रेंड। दिखाने का यही एक कारण है कि यहाँ पे हम पहले इसको पानी से नहीं धोएंगे, ना प्याज को ना करेले को, क्योंकि इसे हम कटिंग के बाद नमक इसके अंदर डाल के मसलेंगे ताकि कड़वापन निकले। तो इस वजह से हम इसे बिल्कुल पानी से नहीं धोएंगे, छीलने के बाद हम डायरेक्ट कट कर लेंगे। कटिंग देखो मेन इम्पोर्टेंट होता है, कटिंग भी हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं काटना है, एकदम बारीक बारीक करेले को काटेंगे। जितना बारीक आप करेले कट करेंगे उतनी बेहतरीन करेले की भुजिया बनेगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए। एक बार देखिए बिल्कुल पतला पतला मेरी स्लाइस हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो जितना पतला आप कटिंग करेंगे उतनी बेहतरीन ये करेले की भुजिया बनेगी। तो सबसे पहले मैंने दिखा दिया, इस तरीके से कट कर लेते हैं। कैसे हमने कट कर लिया करेले को, और सेम इसी तरीके से हमें प्याज भी बारीक काटना है। ये नहीं कि प्याज को भी हमें मोटा काटना है, मैं थोड़ा सा कट करके दिखाऊंगी। देखिए बिल्कुल सेम, जितना पतला आपका करेला कटे उतना ही पतले प्याज को भी कट करना है। इस तरीके से प्याज को भी हम कट कर लेंगे एकदम। प्याज को भी देख लीजिए, इसी तरीके से हमने बारीक कट करके रख लिया है। प्याज को हम साइड में करेंगे और करेले लेंगे इसमें, क्योंकि हमने पानी से अभी नहीं धोया है। और कड़वापन निकालने के लिए यहाँ पे एक से दो चम्मच हम नमक ले लेंगे, और नमक लेके हमें हाथों से इस तरीके से मसलना है ताकि करेले का बीज भी निकल जाए और जितना इसका कड़वापन है वो भी निकल जाए। तो बीज इतनी आसानी से निकल जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने जल्दी हो गए। तो नमक का दो फायदा होता है, एक कड़वापन भी निकल जाता है और इसके अंदर की सारी बीज भी। करेले को बनाने से पहले ये आपको प्रोसेसिंग कम से कम एक घंटा या आधे घंटा पहले करना पड़ेगा ताकि इसकी जो भी कड़वापन है अच्छे से निकल जाए। अब आप बनाने से 5 मिनट पहले करोगे तो उसमें कड़वापन उतना नहीं निकलेगा, तो इसलिए बनाने से पहले ये जरूर कर लीजिएगा कम से कम एक घंटे या आधे घंटे। और इस तरीके से इसको छोड़ दीजिएगा, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से। एक घंटा हो गया है तो एक दूर देखिए, इस तरीके से आप सिर्फ झाड़ दीजिए
और प्लेट में देखिए मैंने एक भी हाथ से नहीं किया, सिर्फ इस तरीके से झाड़ा, सारे बीज निकल गए बिल्कुल इजी। तो है ना बनाना कितना आसान और बीज निकालना। फ्रेंड देखा ना, घंटों का काम मिनटों में हो गया फटाफट। और एक फायदा और होता है इस बीज की, मैं बता रही हूँ कि जो डायबिटीज के पेशेंट है उनका शुगर हमेशा हाई लेवल होता है, तो इस बीज को कभी मत फेंकिएगा। इस बीज को आप सुखा लीजिए और सुखा के इसका मिक्सर में पाउडर बना लीजिए या खलबट्टे में, और एक गिलास पानी में उनको एक चम्मच दिया करिए खाली पेट। मेरी गारंटी है कि 100% पूरी लाइफ में कभी उनको दोबारा शुगर नहीं हो सकता है। इस बीज का इतना फायदा है। तो यही है और कारण दिखाने का आपको बीज साइड में करने का। तो उम्मीद है कि आज के बाद आप जो डायबिटीज के पेशेंट होंगे आप इस बीज को नहीं फेंकेंगे, तो इस बीज का बहुत फायदा है। तो चलिए हम फटाफट इसको धुल लेते हैं करेले को एक पानी के, और इस तरीके के जाले वाले इसमें रख लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी हो गर जाए। और प्याज को भी हमने साथ में धो लिया, आप चाहो तो साथ में धो सकते हैं या अलग अलग। चलते हैं अब फटाफट गैस की तरफ बनाने। इसे गैस पे कढ़ाई हम रख दे अच्छे से गर्म होने के लिए। कढ़ाई जैसे गर्म हो जाए अच्छे से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल में नहीं बनाएंगे, मेन इम्पोर्टेंट ये होता है। हम लेंगे सरसों ऑयल, और सरसों ऑयल में करेले बहुत बेहतरीन होता है। तो हम 3 से 4 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल को बहुत अच्छा गर्म करना है। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम प्याज को इसके अंदर डालेंगे, इस तरीके से डाल देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम करना है, अब हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो। और इसे हम चला लेंगे, 1 मिनट हो गया है। तो अब इसके साथ हम करेले को भी इसी के अंदर डाल देंगे। फ्रेंड प्याज को हमें लाल करके करेले को नहीं डालना है, साथ हो सके तो साथ में भी डाल सकते हैं। और एक प्याज को 1 मिनट के डालने के बाद आप करेले तुरंत डाल दीजिए, क्योंकि हमें दोनों का सेम कलर लेके आना है, एकदम बेहतरीन कुक करना है। तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। बहुत लोग होते हैं प्याज को पहले भून लेते हैं फिर करेले, तो उसमें क्या होता है चाहे करेले को एकदम ये करते हैं तो उस चीज का, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ हमें लुकिंग भी चाहिए करेले के अंदर। करेले को हमें बिल्कुल जलाना नहीं है, पकाना है, तो इस बात का ध्यान रहे। देखिए दोनों जाते ही कितनी बेहतरीन कलर होने लगा ना। तो हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करेले को भूनना है, और तुरंत हमें नमक भी नहीं डालना है। इस बात का पूरा ध्यान रखिए, आपकी करेले एकदम बेहतरीन टेस्टी और हेल्दी दोनों बनेगा। हो सके तो करेले को खुले बर्तन लीजिए और इस तरीके से देखिए एकदम फैला लेंगे, ये नहीं कि इकट्ठा करके एक ही जगह है और करेले को हम भून रहे नहीं, और बीच बीच में इसको चलाते रहना है, ये नहीं कि छोड़ देना। तो पता चला कि नीचे से करेले जल जाएंगे, ऊपर का कुक नहीं होगा, तो कंटिन्यू इसको बीच बीच में चलाते भी रहना है। 1 मिनट हो गया, इसको हम अब चला देंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे ना तो चारों तरफ से एकदम बेहतरीन कुक होगा और कलर भी एकदम परफेक्ट दोनों का आएगा। फिर सिर्फ चला के छोड़ना नहीं, वही करना है, इस तरीके से हल्के हाथों से इसको फैला के ही रखना है बेहतरीन। 1 मिनट और हो गया, फिर इसे भी हम चला देंगे। देखिए इस तरीके से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें बस करते रहना है और कुछ भी नहीं करना है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, जब आधा करेला कुक हो जाता है तब हम नमक डालेंगे, तुरंत नमक साथ में नहीं डालते हैं। और इस तरीके से देखिए कितना बेहतरीन कलर आने लगा है ना, और प्याज भी खड़े खड़े हैं और करेले भी नहीं ये हो रहे हैं, तो ये मेन होता है इम्पोर्टेंट, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए। तो देखिए कितना बेहतरीन हो रहे हैं, तो हमें इस तरीके से चला लेना है ताकि करेला और प्याज दोनों साथ साथ कुक हो रहे हैं, और कलर देखिए कितने बेहतरीन दोनों का। तो देखिए कितना परफेक्ट तरीके से एकदम भुन गया है करेला, देख सकते हैं ना, बिल्कुल ना जला है ना कुछ, एकदम खिला खिला है। तो इस तरीके से बनाइए एकदम परफेक्ट। और जो फ्रेंड्स इसमें का एक्स्ट्रा तेल है तो हम इसे भी निकालेंगे, बिल्कुल इसके अंदर तेल नहीं होगा। तो इसका क्या है कि इस तरीके से आप साइड में ऐसे कर दीजिए, 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो एक्स्ट्रा तेल जितना है इधर आके निकल जाएगा।
तो ये जरूर प्रोसेसिंग करिएगा। देख सकते हैं एक्स्ट्रा तेल जितना है इधर साइड में हो गया है। तो ये दोबारा आप जब करेला बनाएंगे तो इसको आप यूज कर सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर करते हैं फटाफट। तो अब करेला देख लिए ना कितना है, बनाना आसान, पहली बार में आपका भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देख सकते हैं ना जला है ना कच्चा है। तो देखिए कितना परफेक्ट हुआ है एकदम करेले की भुजिया। आप बिल्कुल कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डाल के बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट। पूरी फैमिली, बच्चे टूट पड़ेंगे खाने, तो एकदम परफेक्ट है ना। इसे रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ एंजॉय करिए। बच्चे भी खुशी खुशी खाते हैं और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए तो सेहत का खजाना है। जैसे शुगर हो जाएगा छू मंतर। तो चलिए ये रेसिपी हम जरूर ट्राई करेंगे।